हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब कैसे हैं? इस वक्त अराउंड सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ वाजिद खान से मिलने। यू ऑल नो वाजिद, राइट? द फेमस मेकअप आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। इत्तेफाक से वो अमेरिका आया हुआ है, ह्यूस्टन में ही है और मुझसे लिटरली 5-10 मिनट दूर है। सो आई एम गोना पिक हिम एंड आई एम टेकिंग हिम टू सेफोरा बिकॉज मेरे बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे वाजिद से पूछने हैं। ड्राई स्किन के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, कौन सा फाउंडेशन आप लगाएं एंड विच शेड इज़ गुड फॉर स्किन। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर स्किन टोन, रिगार्डिंग फाउंडेशन, रिगार्डिंग योर डार्क सर्कल्स, के डार्क सर्कल्स कवर नहीं होते, मुझ पर कौन सी लिपस्टिक का कलर शेड मुझे लगाना चाहिए, क्या मुझ पर सूट करेगा, फ्लेकी स्किन के लिए किस तरह की बेस होनी चाहिए, लिक्विड, क्रीम, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, एक्नी स्किन, एनीथिंग, जस्ट यू नो टेल मी कि क्या कॉमेंट्स में आप मुझे बताएं, बिकॉज अभी मैं जा रही हूँ पिक करने एंड देन आई एम गोना रीड योर कॉमेंट्स इन अबाउट हाफ एन आवर। तो आप लोग के जितने भी सवाल होंगे मेकअप रिलेटेड, आई एम गोइंग टू आस्क हिम ऑल दोज क्वेश्चंस। और अगर कोई प्रोडक्ट रिव्यू करना है, ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट आपके पास है एंड यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट दैट, समटाइम्स आप ज़्यादा लाइट कलर फाउंडेशन ले आते हैं, कभी कभार डार्क ले आते हैं, तो हाउ टू यूज़ दोज फाउंडेशन ज़ाया ना हो। तो ये सारे सवाल मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है, तो अब आपको जो भी सवाल करना है नीचे कमेंट में लिख दें एंड देन आई एम गोना आस्क वाजिद। सो आई विल सी यू गाइस इन अ बिट। ये वाजिद आ गए और ये मुझे ढूंढ रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मिस्टर वाजिद। ओहो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लोगों के दिलों पे राज करने वाली सनम जंग। हम आपके साथ हैं और आप देखिए। हाँ भाई, आज क्या बताने वाले हो? आज हम बताएंगे जो हमारी ख़वातीन होती हैं, जो एशियन ख़वातीन हैं, जो डार्क टोन स्किन है और जो ब्राइट स्किन भी है जिनकी, सबसे पहले मेकअप करते हुए क्या गलती करते हैं। यूजुअली मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता होता, लेकिन टाइम के साथ साथ चीज़ें अब बड़ी चेंज हो गई हैं, मेकअप बड़ा जदीद किस्म का आ गया है। और सबसे पहले मेकअप में जो चीज़ होती है वो आपको अपनी स्किन प्रैप करना होती है, वो किस तरीके से करते हैं मैं आज आपको प्रोडक्ट बताऊँगा। अभी हम ह्यूस्टन लूमिनस स्किन है या इसका 6 नंबर मुझे लगता है बेस्ट है, और इसका एक पंप भी काफ़ी होता है आपके अपने स्किन के लिए। जॉर्ज अरमानी तुम्हारे, जॉर्ज अरमानी ये बेस्ट है, और ये सबा कमर को भी मैंने किसी ज़माने में रेकमेंड किया था और सबा आज तक यही यूज़ करती है। सो दिस इज यूज किया काफ़ी, आई रियली लाइक इट। द बेस्ट पार्ट इज कि ये ड्राई स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, और ये इतना स्मूथ इसका टेक्स्चर है, बिल्कुल सी लुक पता ही नहीं चलता कुछ लगा है, लाइट वेट फाउंडेशन और फुल कवरेज। और तुमने कितना अच्छा स्किन टोन के साथ मैच किया है। तो ये इसमें दो है ना, एक लूमिनस स्किन है, दूसरा वाला तो ड्राई स्किन वाले। मुझे पता नहीं किसी ने यहाँ, इन लोगों ने, इनको तो ऑनेस्टली इन लोगों को हमारी टोन का पता नहीं होता है, ठीक है, तो इन्होंने मुझे 4.8 रेकमेंड किया था। अच्छा, 4.8 मुझे लगता है कि 4.8 दिखाएं जरा, मुझे लगता है 4.5 देख लो, डार्क हो जाएगा, ये लाइट है। अच्छा, नो इसमें डिफरेंस देख ले, या ये बहुत लाइट हो रहा है ना, बहुत लाइट है, और ये ग्रे हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, लाइट कम है यहां से देखते हैं। नंबर बेस्ट है 6, 6 नंबर मेरे लिए, 6 नंबर बेस्ट है मुझे। ओके जी, तो ये हो गया, योर फेवरेट फाउंडेशन इज जॉर्ज अरमानी। ओके, एंड एनीबॉडी हु वांट्स लूमिनस स्किन, ड्यूई स्किन। अच्छा, मुझसे किसी ने सवाल किया था वाजिद, कुछ लोग होते हैं उनको ड्यूई स्किन पसंद है, अच्छा तो वो क्या पाउडर लगाएं, कॉम्पैक्ट लगाएं कि नहीं लगाएं? पाउडर लगाना पड़ेगा क्योंकि पाउडर थोड़ा सा स्किन को आपको जो होता है वो फाउंडेशन को ब्लॉक करता है, बट बहुत ज्यादा पाउडर नहीं लगाएं। ओके, बहुत ज्यादा पाउडर ना लगाएं, बहुत ज्यादा पाउडर लगाने से क्या होता है कि वाकई वो फिर ड्राई होने से हो जाता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है। हाँ, पैचेस होने लगते हैं, पैचेस क्यों होने लगते हैं, तो पाउडर आपने बहुत ज्यादा नहीं लगाना, आपको सिर्फ टैप करना है। ओके, ठीक है, सो वो आप लगाएं उस तरीके से करके, फिर आप हाइलाइटर लगाते हैं, आप शिमर लगाते हैं, तो आपका वो, और फिर आपको उसके बाद जब मेकअप फिक्सर करते हैं तो आपके स्किन पे ग्लो आ जाता है। सो यू थिंक मेकअप फिक्सर भी गेम चेंजर है? बिल्कुल गेम चेंजर है। अच्छा, मुझे लगता है कि Dior is also best. तो ये मैं अपनी ब्राइट के भी यूज करता हूँ। हाँ, और ये लाइट वेट फाउंडेशन है और
ये इतना ज़बरदस्त है और इसके अच्छा मैं अगर क्या करता हूँ, मैंने जैसे ये पाउडर, ये मैंने फाउंडेशन का कलर लाइट लिया है ना, तो मैं इस पर फाउंडेशन का कलर अगर मेरा लाइट है, क्योंकि हमको हमारी स्किन को हमारी ब्राइट को टू टोन लाइट चाहिए होता है, और ये जैसे जिनकी ऑयली स्किन होती है और हम उनके उनके ऊपर भी लगा सकते हैं ये। अच्छा, और फिर उसके बाद जिन लोगों को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चाहिए होता है तो थोड़ा लास्ट करता है। और उसके बाद आपने पाउडर की जो एप्लीकेशन है, इसका जो कॉम्पैक्ट है वो थोड़ा सा डार्क लगा ले, तो सी आपका अपना स्किन टोन बन जाता है। तो जब दो टोन बीच मिलते हैं, मैं हमेशा ऑलवेज क्रिएट आप करेंगे तो आपका एक अलग शेड क्रिएट हो जाएगा, डिफरेंस आपको नजर आएगा। लोग मेक श्योर करें कि आपका अगर फाउंडेशन आप लाइट कलर का ले रहे हैं तो आपका जो पाउडर का शेड हो वो थोड़ा डार्कर हो, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा और आप इसको आराम से लगा सकते हैं। लुक बहुत माइनर से ये वाइट है, ये लगा हुआ है और ये पाउडर के साथ है। मतलब अगर किसी के पास गलती से डार्क फाउंडेशन आ गया तो फिर वो जरा लाइटर पाउडर लाइट यूज कर ले, लाइट फाउंडेशन आ गया तो फिर पाउडर, आपको बहुत ज्यादा चीजें खरीदने भी नहीं पड़ती है। जितने सैलॉन्स वाले हैं उनके लिए भी टिप है कि बहुत सारे जब मेकअप सजाते हैं तो ट्रे लगी होती है इस तरीके से, दिखाएं तरीके से मेकअप लगे हुए, बहुत सारे मेकअप लेने से बजाय अगर आप दो फाउंडेशन हो और आप उसमें मिक्स एंड मैच करते रहे तो यू कैन क्रिएट मेनी 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 थिंग्स। कुछ ऐसी चीजें भी है ना कि लोग इजी टू अप्रोच भी होता है। हां 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 बिल्कुल, चैनल जो लोग देखते हैं ये, मैं शार्लेट एल्विट इसके के रूम बात करूं, ये इसके हाइलाइटर बहुत अच्छे हैं। हां जो आप इसके, हां इसके हाइलाइटर ये देख लो, इसका ये, इसका पिंक, इसका ब्रोंजर, दिस इज द बेस्ट। ऑनेस्टली आई रियली लाइक दिस ब्रांड शार्लेट टिल्बरी और ये मुझे, हाँ सिटी बोल रहा है, और मुझे सबीका इमाम ने इंट्रोड्यूस किया था, शी सेड सनम डू व्हाटएवर, लेकिन ये हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर जो है ना, ये पहले मुंह पे लगा कर उसके बाद फाउंडेशन लगा करो, ये बहुत ही क्लियर सा, बहुत पतला होता है, आई मीन यू कांट यूज इट एज फाउंडेशन अनलेस योर स्किन इज ब्यूटीफुल। ये फाइन लाइंस आप नहीं कवर कर सकते क्योंकि लाइंस आपकी नेचुरली होती हैं, सो आप इसको हाई टेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं, जब आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन सही होगा, व्हेन यू चूज राइट फाउंडेशन, तो जब आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन सही होगा तो आपको कम लगानी पड़ेगी, जब कम लगाएंगे तो आपकी जो लाइंस हैं कवर अप हो जाएंगी, बट ये छुपेंगी नहीं, आपकी कवर हो जाएंगी, तो आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन सही होना चाहिए। मेक श्योर करें कि फाउंडेशन का सिलेक्शन सही हो, तो ज़्यादा भी जब लगाएंगे तो वो पता नहीं चलेगा क्योंकि वो आपकी अपनी स्किन टोन के हिसाब से होगा। लंबा वाला जो है वो लॉन्ग वेयर है, जो छोटा वाला है तो अब वो यहाँ यू नो सब लिखा हुआ है तो आपके लिए आसानी है, तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है? अरे दोनों ही अच्छे हैं, इट डिपेंड आपकी स्किन कैसी है आपको। अच्छा क्या है कि बहुत सारी चीजें आप प्रोफेशनल वे में भी यूज कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें जैसे आपने खुद से अपना मेकअप करना है। व्हिच वन डू यू थिंक पतला था? दिस वन तो मेरी स्किन टाइप, ड्राई स्किन टाइप के लिए आप ये लगा लें। ओके ठीक है, ये लगा लें, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है वाटर बेस्ड टाइप कैसा। हाँ, और दिस इज सम, ये थोड़ा थिक है। And हाँ अच्छा, लगाएंगे दोनों, अगर इसको ज्यादा लगाएंगे तो ये भी आपका फुल कवरेज करेगा, ये भी इस तरीके से लगाने का वही तरीका, जिसको कम आप लगा के ब्लेंड करेंगे और ज्यादा लगा के ब्लेंड करेंगे तो वही चीज होगी, बस आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। अच्छा अगर तुम मुझे रेकमेंड करोगे तो मुझे नार्स पंजाब, क्योंकि मैंने ये भी लगाया, ये रेकमेंड करोगे या फिर मुझे जॉर्ज अरमानी? जॉर्ज अरमानी पर्सनली आई लाइक जॉर्ज अरमानी, मुझे 23 साल हो गए काम करते हुए, 23 years हो गए। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि हम जो बाहर के जितने भी मेकअप हैं, नो डाउट ऑफकोर्स एक प्रोडक्शन लगने के बाद एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद बड़ी मेहनत होती है, बट जितना भी लिक्विड फाउंडेशन होता है हमारी एशियन की स्किन के लिए अच्छा भी है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत क्लियर है, अदरवाइज okay. हमें क्या होता है, हमारे डार्क सर्कल है, हमारी पिगमेंटेशन है, हमारा ये है, हमारा वो है, हमें so सब चीजें चुप चूज द राइट शेड। इसके अलावा हमारे को पाउडर मस्ट है लगाना जो हमारी जो प्रोडक्ट को सील कर सके। बहुत सारी वीडियो आप देखते हैं कि जी वो एक घंटे में एक वीडियो दिखाते हैं, ये लगाया और उसके बाद फौरन से हो गया, तो उस वीडियो के पीछे एक घंटे, डेढ़ घंटा, तीन घंटे की मेहनत होती है। वो लिक्विड लगा के आपको दिखाते हैं तो आपको लगता है वो लिक्विड ही लगाया, बट लिक्विड के ऊपर आपको किस तरीके से लगाना है, कितना मिक्स करना है, आपको पाउडर की आपको लूज पाउडर लगाना है, आपको सीटी जो है आपका इसका जो आपका क्लियर पाउडर है आप वो लगा सकते हैं आंखों के नीचे, तो उससे क्या होता है कि आपको कोई शेड नहीं मिलेगा बट आपकी स्किन ब्लॉक कर देगा, तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है। लेकिन क्या है, यूजली लोग बताते नहीं है, लोग बोलते हैं फाइनल रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं, और फाइनल के चक्कर में हम बहुत अपनी स्किन का सत्यानाश मारते हैं। तो मेक श्योर करें जब भी आप किसी को चीजें बताएं या करें तो पूरी बताएं, अदरवाइज ये धोखा है।
तो ये लिक्विड चीजें आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं। अब लिक्विड चीजें आप अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकते हैं, और पर्सनल यूज के लिए जैसे आप अपनी दावत पे जा रहे हो तो आपने लगा लिया तो आपने कर लिया, अदरवाइज फॉर ब्राइडल अगर आपकी बहुत फ्लॉलेस स्किन है, आपकी बहुत ज्यादा अच्छी स्किन है, गलत कोड लगा मैंने अपने कोड। अच्छा, बहुत सारे लोग बीच में कमेंट्स कर रहे हैं, जिनसे मैंने पूछा था फेसबुक पे, लोग पूछ रहे हैं कि आई पेंसिल बताएं जो स्मज नहीं हुए। अच्छा, आई पेंसिल तो आप इसकी ले लो, बहुत अच्छी है इसकी, आपका नार्स की अच्छी है आई पेंसिल, नार्स की आई पेंसिल अच्छी है। ओके, देन पीपल आर सेइंग कि जो यू नो यूजुअली हमारी स्किन टोन की लड़कियां होती है उनकी पिगमेंटेशन होती है लिप्स के अराउंड, तो उसको हम कैसे देखते हैं? आई थिंक हम वो बाहर जाके बात करते हैं। वो तो मैंने बताया था। अच्छा, नार्स की पेंसिल अच्छी होती है, काजल पेंसिल काली रंग की, उसकी थिकनेस बहुत अच्छी होती है। सो लिक्विड फाउंडेशन हो गया, ये सारी चीजें हमारे क्या होता है कि अपने यूज के लिए बहुत अच्छी हैं। जो आप अगर दावत में जा रहे हैं तो आपने लगा लिया, बट जब आप ब्राइड कर रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके लिए अच्छा, जो आप देखते भी हैं पाकिस्तान में भी जो लड़कियां हमारी हैं, जो एशियन लड़कियां हैं, उनकी स्किन जो बहुत ज्यादा डुई डुई लग रही होती है, तो उनकी स्किन बहुत क्लियर होती है, ठीक है। सो वो उनको कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं होती, वो थोड़ा सा ही कुछ करते हैं वो प्यारे लगने लगते हैं। सेफोरा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली वाजिद को बहुत पसंद है, और मैं भी बता रही थी कि एक दफा मैं गई फ्लाई कर रही थी तो एमिरेट्स की एक एयर होस्टेस थी, आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई लव योर लिप कलर, व्हाट इज इट, शी टोल्ड मी सेफोरा कलर मेरा जो है ना, देखिए इनका जो फेवरेट कलर है मैं आपको दिखाता हूँ, ये डार्क ब्राउन। ओह माय गॉड आई हैव दिस, ये डार्क ब्राउन की आप डार्क ब्राउन आउटलाइन लगा के उसके अंदर आप ये भर लें, जब ये आउटलाइन ये गीला ही हो वो भर लेगा, ये भर लेगा 77 आप लगा लें, आप ये लगा लें तो आपका एक बिल्कुल खूबसूरत सा एक बीच का शेड बन जाता है और बहुत खूबसूरत लगते हैं। दिस इज द बेस्ट लिप कलर, दिस पैलेट इज अमेजिंग, ये हर किसी जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके पैलेट में होना चाहिए। इसका ये गोल्ड बहुत प्यारा है, इसका ये जितने कलर है इसमें फॉर ब्राइडल पार्टी में सबके लिए बहुत हल्का हल्का, एक स्ट्रोक देखें और इसकी पिगमेंट देखिएगा कितनी खूबसूरत है, सी ये देखें। अगर कोई पूछे कि मेरा फेवरेट मस्कारा टू फेस का, दिस इज सो गुड आई लव इट, मुझे लगा मैंने बिल्कुल ठीक मेकअप किया हुआ है। डार्क सर्कल छुपाने का जो है ना ये लाइन को कवर करने आता है, मैं तो ऊपर ऊपर तक नहीं जाना। अब क्या है, मैंने सही शेड उठाया था कि नहीं, गोल्डन बेज, ठीक है ठीक है, अपने आपने सिर्फ इस लाइन को ऐसे टैप करना है। अच्छा, आई ऑलवेज लाइक, कुछ लोग होते हैं ना उनके डार्क सर्कल्स नहीं होते, ये एरिया को हाईलाइट करते हैं, सो आई लव दैट लुक। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था स्क्रीन को प्रेप करने के लिए, ये ऑर्डनरी का हाइलुरोनिक एसिड है, आप पूरी स्किन पे ये अच्छे से लगा लें 3-4 ड्रॉप लेके, और आप 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें, और उसके बाद आप अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करें। पहले तो सबसे पहले अच्छे से क्लेंजिंग करें, मॉइस्चराइज करें अपने स्किन को, और उसके बाद ये सीरम लगाएं, हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाएं 2-4 ड्रॉप, और उसके बाद आप मेकअप स्टार्ट करेंगे तो आपकी स्किन को एक बहुत नेचुरल सा ग्लो मिलेगा, और आपके स्किन को ब्रीद लेने के काबिल रहेगी। फाउंडेशन लगने के बाद भी आपकी स्किन ऐसा लगेगा आपकी स्किन एक लाइट सा फील कर रही है। मैं सबके कंसर्न्स को कवर कर लिया, अब मेरा कंसर्न है, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है, मैं आधे घंटे से समझा रहा हूं, निकाल के दिखा दिया, लगा के दिखा दिया, बता के सब चीजें समझा के दिखा दिया, लेकिन इनके मानने को तैयार नहीं है, ये चाह रही है कि मैं थोड़ा सा लाउड हो जाऊं उनके ऊपर भी। लुक एट दिस, ये 6.5 and 6.7 अक्सर लोग ये वाली गलती करते हैं मेरी exactly. वाली कि आप जान पूछ के लाइट कलर, हाँ देखो जो तुमने वो मुझे सजेस्ट किया वो मेरे कलर में ब्लेंड हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला, और ये देखें प्रोमिनेंट जो आप कर रही है प्रोमिनेंट। अच्छा, इनको भी हाईलाइट होने का शौक है तो हुए भाई हाईलाइट हो नहीं मैं चाह रही हूं सिटी ले लें और अरमानी ले लें, डियोर ले लें, पिचबिंडी ले लें, हां कुछ अच्छा, लेकिन जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मेरा एक फेवरेट मैं आपको बताता हूं, दिस फाउंडेशन और इसकी कवरेज बेस्ट है मुझे लगता है, या आपकी जैसे वैसी स्किन होती है ना जो पैच होते हैं या फुलबेरी वाली स्किन होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट फाउंडेशन है, फुली कवरेज हाई डेफिनेशन है ये, एंड दिस इज समथिंग वाओ।
6.25 ले ले मेरे ख्याल से 6.25 में लेने जा रही हूँ बिकॉज एक्चुअली मैं आई वॉज इन डेस्परेट नीड ऑफ फाउंडेशन और मेरा खत्म हो गया था मैंने कहा वाओ वाजिद आया हुआ तो मैं इसको सिफोरा लेके जाऊंगी और मैं ढूंढूंगी अपने लिए फाउंडेशन सो देयर इज लेट्स गो चलते मेरी एक नज़र पड़ी ये लेडी गागा का और ये हाइलाइटर जो कहते हैं ना ड्यूई स्किन जो ग्लास जैसी चमकती है सो आप पहले स्किन प्रेप करेंगे उस सीरम से जो मैंने आपको बताया उसके बाद आपने ये हाइलाइटर लगाना है दिस इज आई थिंक बेस्ट लोग कभी कभार क्या करते हैं ओवरडू उससे क्या होता है पूरा मुंह चमक रहा होता है ये टॉप पूरा हर चीज देखिए हाइलाइटर आपको सिर्फ ये जगह हाइलाइट करना है चलते पे बात करते हैं ये जगह हाइलाइट करना है नाक का सेंटर हाइलाइट करना है हल्का सा सेंटर करना है लिमिटेड बहुत ज्यादा इज्जतदार लोग इज्जतदार लोगों की तरह बिल्कुल तो ये था आज का हमारा एपिसोड ओके जी एपिसोड था मुझे पता ही नहीं था बस हम लाइन में लग गए क्योंकि हम ये लेके जाएंगे जल्दी जल्दी जितनी भी हम चीज़ें कवर कर सके हमने कवर कर ली है बट राइट नाउ वी आर गोना सिट डाउन वाजिद एंड अभी भी हमारे पास कुछ सवाल हैं मेरे फेसबुक पे आए हैं कमेंट्स तो उसका तुम्हें जवाब देना होगा हाँ ठीक है आर यू रेडी आई एम रेडी सबसे पहले कोई पूछ रहा है कि ब्राउन स्किन के लिए सबसे अच्छी लिपस्टिक्स कौन सी होती है कौन से कलर की होती है सो मुझे लगता है कि पहली बात तो यह है कि ब्राउन स्किन और वाइट स्किन तो पहले अपने दिमाग से निकाल दें जो आपका स्किन टोन है ना ये अल्लाह ने आपको एक बड़ी खूबसूरत स्किन टोन दिया है हाँ अगर आपका ये गंदुमी रंग है तो आपको इसके ऊपर तो हर चीज़ अच्छी लगती है आप इसके ऊपर डार्क मरून कलर लगाएं रेड लगाएं डार्क ब्राउन लगाएं लाइट कलर लगाएं तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं ठीक है बस शर्त है आप मिलाद में रेड कलर ना पहन के चले जाएं कुरान खानी में रेड ना पहन के चले जाएं सो आप जितने डार्क कलर लगाएंगे वो अच्छे लगेंगे अगर आप डार्क आउटलाइन लगा के अंदर लाइट कलर करते हैं हाँ। तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा तो जहाँ अगला सवाल ये है कि हाउ टू कवर डार्क सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आप वीडियो में देखिएगा अच्छा मेक श्योर करें कि जो आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन हो पहले तो वो सही हो जब आपका फाउंडेशन का सिलेक्शन सही होता है तो आपको डार्क सर्कल के ऊपर कम लगाना पड़ता है तो ये जो लाइन होती है आपको इस लाइन को कवर करना है आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा Ask him for a foundation that doesn't oxidize. Again, क्योंकि हमारी स्किन जो है हम जितने भी एशियंस हैं पिगमेंटेशन होती है टी जोन हमारा फर्क होता है ये अलग होता है वो अलग होता है सो मेक श्योर करें कि आप जब आप कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं तो आपने फाउंडेशन ले सपोज आपने कोई ब्राइट कलर का फाउंडेशन लिया है तो पाउडर जो है तो उसके ऊपर कॉम्पैक्ट एक टोन से डार्क लगा लें ठीक है जब आपके दो शीट चीज़ें मिलती हैं और फिर जब ब्लशर उसके ऊपर आप लगाते हैं तो आप एक तीसरा शेड क्रिएट कर देते हैं जब आप ये तीन चार चीज़ें मिक्स कर ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है फाउंडेशन में एक आपको इसलिए नहीं रेकमेंड कर सकता कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वो हो जाती हैं फिर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन अगर ये आप तीन चार चीज़ें मिक्स करके लगाएंगे तो जितना टाइम गुजरता जाएगा आपकी उतनी स्किन फ्लॉलेस होती जाएगी ना कि डार्क हो अच्छा ये बिल्कुल सही इधर मेरा भी एक सवाल है जब हम छोटे होते थे जब हमें मेकअप नहीं आता था अब भी कभी कभार आई शेडो लगाते हैं ठीक है वाजिद बिल्कुल तो उड़ा उड़ जाता है आपको पता नहीं चलता तो उड़ गया हाँ उड़ गया जैसे कि जब आप लोग मेकअप करते हो तो पूरी रात जब तक आप हटाओ नहीं हटता हाँ। नहीं हम करते हैं तो जाते हैं तो हम गीला करके लगाते हैं फाउंडेशन में नहीं लगाता होता था लेकिन अब क्योंकि मेकअप इतना चेंज हो गया है तो आप अच्छा फाउंडेशन लगा के आंखों के ऊपर करने का मतलब ये कि जो आप जो कलर लगाते हैं वो एग्जैक्ट कलर नजर आता है सो फाउंडेशन आप इसलिए लगाते हैं आप बेस बना देते हैं जैसे आप दीवार के ऊपर आप पेंट करते हैं और फिर उसके ऊपर आप कोई लाइन खींचो तो आपको प्रोमिनेंट नजर आती है तो इसी तरीके से जब आंखों के ऊपर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आप जो भी कलर लगाएंगे वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आएगा आपको अब एक आखिरी सवाल Yes. ये हुमेरा कह रही है हुमेरा एसन के पाकिस्तान में अफोर्डेबल और सबसे अच्छा हाइलाइटर कौन से ब्रांड का है अच्छा बहुत सारे ब्रांड आ गए आपको सो मुझे लगता है कि नाम उसका मैं अक्सर मेरे सैलून रेवोल्यूशन का अच्छा, बेस्ट है okay. वो बड़ा अच्छा ग्लो करता है आपकी स्किन को और दूसरे भी बहुत सारे अब तो आ गए तो आप ट्राई करें जो आपकी स्किन के ऊपर अच्छा लगता है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं और सारी चीज़ें अच्छी हैं सिर्फ आपको लगाना कितनी क्वान्टिटी में आपको ये पता होना चाहिए ना कि आप बहुत सारा लगा के आप मेस कर दें तो कम लगाएं और अगर लगाने का तरीका आपको पता होना चाहिए मेरी लिपस्टिक कैसी लगी है वाओ दिस इज मैक मेहर एंड आई लव दिस एक्चुअली हां बहुत प्यारा कलर है ये एक ऐसा कलर है जो मैं हमेशा बस ये मेरा गो टू कलर है हां ये बहुत प्यारा कलर है तो आप क्या नाम है ना बता दें मैक का मेहर और एक शार्लेट टिलबरी का मैं लगाती हूं पिलो टॉप सीटी वो हल्का सा है सीटी मैंने नाम सीटी कर दिया है सही है चलो भूख लगी कुछ खा ले क्या खाओगे कुछ नहीं चाय पी लेते हैं चाय चाय चाय
पैटीज मैंने ऑर्डर किए तो फिर मजाक उड़ा रहे हैं, डेढ़ डेढ़ खाएंगे। मैंने कहा तो चार ऑर्डर कर लेते, कहते क्यों आप दो खाएंगे। हाँ हाँ बहुत अच्छे पैटीज, आई रियली लाइक दैट एक्चुअली। मैं तो खा रही हूँ, मैं वेट नहीं कर रही। बिस्मिल्लाह। पहले चटनी में डिप करें। हाँ मजे का आलू का। You like आलू? I love आलू। मुझे तो आलू के चावल, आलू की तरकारी, आलू गोश, हर चीज में आलू पसंद है। I love it. I love this. और ये है चाय, ग्रीन टी। अच्छा साथ में डाइट का इंतजाम है, डाइट फॉलो जरूर करें। आप आलू खाएं लेकिन साथ में ग्रीन टी का इस्तेमाल करें ताकि लगे नहीं आप। बाहर का व्यू बहुत प्यारा है। ये हम पैटीज खा रहे हैं, ये हमारी चाय है, ये हमारे वाजिद हैं, और ये है शुगर लैंड। खा के देखो। हाँ। बगैर किसी चटनी के। लाइक इट। तुम तो कराची से आ रहे हो ना, हमें यहाँ नहीं मिलता भाई। अच्छा मुझे लगता है चटनी या कोई सॉस लगाने से इसका ओरिजिनल जायका खत्म हो जाता है। इससे तो नहीं लगाते। नहीं, मैं बिरयानी में भी सलाद रायता वायता नहीं डालता हूँ। मुझे लगता है इसका ओरिजिनल जायका, जो पिज्जा पे भी केचप डालते हैं चटनी, आई डोंट लाइक। 1970 की रूह है इनके अंदर। लेकिन अच्छी बात है, फुल लोडेड है। सी अंदर देखिए, भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि हमारे तरफ जो मिलता है आलू के नाम पे सिर्फ आलू का छिलका होता है, तो इसमें देखिए ईमानदारी है, भरा पड़ा है।